हेलो एवरीवन, और कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अपने भी हाल चाल कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसे हैं आप सब लोग। और ऐसा ही अपना प्यार देते रहिएगा। और प्लीज़, अगर मेरे वीडियो और ब्लॉग्स आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ ज़रूर लाइक और शेयर करिएगा। और जो नए यूट्यूबर हैं वो ज़रूर प्लीज़ बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों को मैं दिखा सकूँ। तो फ्रेंड, आइए चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, ये तैयारी चल रही है, जो सावन महीने में मासिक शिवरात्रि आती है उसकी तैयारी है। तो ये 3 दिन का जो वीडियो शूट है वो मैं एक ही व्लॉग में आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो पहले दिन था कि घर की मिट्टी से शिवलिंग रेडी करना था, तैयार करना था। तो वो मेरी मम्मी और भैया ने मिलकर तैयार किया था। और शिव जी अच्छी तरीके से सुखाने के बाद, मैंने धूप में नहीं सुखाया था इनको, मैंने पंखे के नीचे रख के सुखाया था, छांव में सुखाया था, धूप में नहीं सुखाया था। और ये अच्छी तरीके से सूख गए हैं। तो इनको मैंने रेड कलर का जो गुलाल होता है उससे अच्छी तरीके से इनको पेंट कर दिया है। और उसके बाद मैं इनको डेकोरेट कर रही हूँ। और जो शिव जी के जो शेषनाग हैं वो भी रेडी हो चुके हैं ऑलमोस्ट। और ये देखिए, आप ज़रूर बताइएगा कि जो मैंने शिव जी तैयार किया है वो कैसे लग रहे हैं। अगर कोई कमी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या कोई गलती हो गई हो तो वो भी ज़रूर बता दीजिएगा ताकि मैं उस चीज़ को मैं सही कर सकूँ, सीख सकूँ उस चीज़ को। और ये देखिए, मेरे जो भोलेनाथ जी हैं वो रेडी हो चुके हैं पूजा के लिए। लेकिन ये पूजा आज नहीं होगी, आज इनको रेडी कर दिया है, इनकी पूजा कल होगी, यानी कि दूसरे दिन शाम को 6 तारीख को। और ये 5 तारीख की वीडियो है। और जब शिव जी मिट्टी के बनाए जा रहे थे वो 4 तारीख की वीडियो थी। और ये अच्छी तरीके से रेडी हो चुके हैं। कैसे लग रहे हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा प्लीज़। और आइए अब चलते हैं पूजा वाले दिन। ये और ये शाम के 7 बज रहे हैं, पूजा शुरू हो चुकी है। और ये सारी तैयारियां मैंने की थी। और मम्मी पूजा कर रही हैं और मैं मम्मी की हेल्प कर रही हूँ, उनको सामान उठा उठा के दे रही हूँ जिस चीज़ की ज़रूरत है। और मैंने पूरी वीडियो शूट नहीं की थी क्योंकि पूजा काफ़ी ज़्यादा काफ़ी देर तक हुई थी, काफ़ी लंबी थी। अगर पूरी वीडियो शूट करने में पड़ती तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती, इसलिए मैंने छोटी सी क्लिप बना ली पूजा की। और बहुत सारे लोगों ने ये पूजा की थी अपने लखनऊ में, तो बहुत लोगों ने की थी और बाकी लोगों ने भी बहुत की है। और काफ़ी ज़्यादा इस पूजा की मान्यता है। और हम लोग 2-3 सालों से ये पूजा करते चले आ रहे हैं। और सुबह दूसरे दिन शिव जी को मतलब भोलेनाथ जी का विसर्जन कर दिया गया था। और अब ये पूजा अगले साल फिर से होगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।